एकाग्रत्वच्युत्यपन। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये मोन्टाज देखा आपने, ये है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जो गाली गलौज की भाषा दे रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही हल्की खबर है, मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। ये संघियों की पहली पहचान है, माँ बहन की गालियां, आपसे नहीं जीतेंगे थप्पड़, हमला करेंगे। तो जो ये लोग गुंडों की एक टीम की तरह काम करते हैं, ये हमला करेंगे, गाली गलौज करेंगे। एक बार तो दिलीप मंडल ने इंडिया टुडे में विश्वांत निकाला था कि संघियों की पहली पहचान गाली गलौज। लेकिन मेरा मसला ये नहीं, मेरा मसला दो खबर है। राफेल में 8 करोड़ से ज़्यादा रुपए गिफ्ट दिया गया, घूस दिया गया है। सोचिए, बोफोर्स से भी बड़ा कांड है, लेकिन न तो इस पर सुप्रीम कोर्ट बोलेगा, न हाई कोर्ट बोलेगा, क्योंकि बीजेपी सरकार है, कोई संस्थाएं नहीं बोलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि मीडिया नहीं बोलेगा, और जब तक मीडिया बोलेगा नहीं तब तक खबरें निकलेंगी। तो सब कुछ 6 साल में ही पानी की तरह साफ हो गया है कि क्या स्थिति है। लेकिन सबसे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, आपको क्या लगता है, पुलवामा लोकसभा चुनाव के समय, 5 राज्यों के विधानसभा समय, बीजापुर, 1 महीना पहले प्रशांत भूषण ने एक इंटरव्यू में कहा है, प्रशांत किशोर ने, माफ कीजिएगा, कि अगर पुलवामा जैसा कुछ नहीं होता है तो बीजेपी बंगाल में दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। तो क्या मान जाए। और एक बात बताइए, अमित शाह और प्रधानमंत्री चुनावी रैलियां में हैं, छत्तीसगढ़ के सीएम चुनावी रैलियों में हैं, जिम्मेदारी कोई लेगा? अब जिम्मेदारी कोई लेता नहीं है। अगर यही कोई मायावती अखिलेश की सरकार होती, कोई लालू यादव की सरकार होती, तो अब तक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया होता मीडिया और सवालों की बौछार होती। लेकिन क्या मजाल किसी के कि अमित शाह से सवाल पूछ ले। दरअसल वो सवाल पूछे क्यों, मीडिया उन्हीं का है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस देश में मीडिया की एक जाति और धर्म है, और वो उसी के लिए काम करता है, और वो उसी के लिए सवाल पूछता है। इस देश में मीडिया का काम है जो जाति विशेष के लोग हैं, जो मनुवादी हैं, जो धर्म विशेष के लोग हैं, उनको सत्ता में बनाए रखना और बाकियों को चोर और अपराधी साबित करना। सोचिए, इसी सरकार में अगर कोई SC ST OBC का ही गृह मंत्री होता तो अभी उसके कपड़े उतार देगा और इस्तीफा देने के लिए मजबूर रहता। लेकिन क्या है किसी मीडिया के औकात की वो अमित शाह से सवाल पूछे। दूसरी बड़ी खबर है, तो सवाल होता है कि क्या ये चुनाव के लेकर ऐसे हो रहा है, और क्या भारत एक आपराधिक शासन राज्य में बदल गया है जहाँ चुनाव के लिए और ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बीजेपी का। मोदी जी का तो खैर ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, गोधरा कांड से लेकर तमाम। सोचिए, एक ऐसा पुलिस अधिकारी जो आरोप लगाता है परमवीर सिंह महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर, और हाईकोर्ट का आदेश आता है कि CBI जांच और उनको इस्तीफा देना पड़ता है। सोचिए, संजीव भट्ट ने भी तो इसी तरह से मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए थे, आज उनको उम्र कैद की सजा हो चुकी है। सोचिए, CBI के डायरेक्टर ने इसी तरह के आरोप लगाए थे केंद्र सरकार पर। सोचिए, 4 जजों ने इसी तरह से आरोप लगाए थे। क्या इस सरकार पर किसी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने नोटिस लिया, सुओ नोटिस लिया, संज्ञान लिया? नहीं लिया। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी जो कायनात है, पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो इसको मदद कर रही है। अब आते हैं राफेल पर। नींबू मिर्ची बांधा गया था, पाकिस्तान डर गया, चीन कांप गया, न खाऊंगा न खाने दूंगा। राफेल पहले ही महंगा खरीदा गया, और अब उसमें कि 8 करोड़ की दलाली दी गई। मीडिया इसको वेबसाइट पर तो खबर चला रही है, लेकिन सोचिए कि फ्रांस की मीडिया कितनी ईमानदार है। वहाँ तहकीकात हो रही है, जांच हो रही है, खबरें चल रही है। आपके यहाँ ये खबर नहीं है, क्योंकि यहाँ सब कुछ छुपाया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो मोदी जी की सरकार चल रही है वो मीडिया चला रही है। मीडिया सब कुछ बचा रही है, जो बताना है वो बताएगी, सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराएगी, और बाकी सब कुछ बचाया जा रहा है। तो ये सब कुछ मीडिया के जरिए, लेकिन सोशल मीडिया लगातार इन सब सवालों से दो चार कर रहा है। फ्रांसी वेबसाइट मीडिया पार्ट ने एक बार फिर राफेल युद्धकों की खरीद बिक्री में हुए घोटाले की जाँच शुरू की है। पहले भी इस साइट की वजह से मामला सामने आया था, इसी वेबसाइट की रपट के कारण पूर्व राष्ट्रपति सार्कोजी को सजा हुई है। हथियारों के धंधे का मामला किसी भी जासूसी थ्रिलर से बहुत आगे है। तो ये तमाम खबरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। तो आज पुलवामा के समय भी ये रैलियाँ कर रहे थे, बीजापुर में भी रैलियाँ मस्त है, जनता त्रस्त है। और ये देखिए, फ्रांस की वेबसाइट का दावा, राफेल सौदा में हुआ भ्रष्टाचार,
दौसा एविएशन ने बिचौलियों को 10 लाख यूरो देने की बात कबूली। अब ये दावा फ्रांस वेबसाइट का दावा है। सोचिए बोफोर्स में प्रधान, क्या कोई राजीव गांधी के समय बोफोर्स को लेकर बीपी सिंह निकले थे? क्या कोई सरकार में इस सरकार से प्रधानमंत्री खुद गए थे? रक्षा मंत्री उस समय थी निर्मला सीतारमण, वो खुद फ्रांस गई थी? कुछ तो गड़बड़ है साहब, लेकिन कोई पूछे सवाल तब तो। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये देखिए एक तस्वीर देखिए, ये है बिहार के पटना की तस्वीर है, ये है बीजेपी के 15 साल का शासन, नीतीश जी का शासन, आप देख लीजिए, कुछ नहीं कह सकते हैं। और ये वो तस्वीर है, देखिए नींबू बांधा गया था राफेल को, और अब कितना बड़ा गड़बड़ हुआ है, सोचिए। इसलिए कन्हैया लिखते हैं आगे, एक तरफ बाप गृह मंत्री और बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी, दूसरी तरफ बाप किसान और बेटा जवान। बेशर्म सत्ता से पूछे कि कितने मंत्रियों के फौज बच्चे फौज में शामिल होते हैं। कैराना नक्सली हमले में लहू देश के आम लोगों का बह रहा है, और कुर्सी भी चुनने में व्यस्त है। देश से प्रेम करने वालों को इस साजिश को समझना होगा। वीर जवानों और अन्नदाता किसानों को नमन। किसान सड़क पर है, जवान शहीद हो रहे हैं। और ये तस्वीर कल से वायरल हो रही है प्रधानमंत्री की मुस्लिम युवक के साथ। ये सोचिए, इसके अंगूठी नहीं बदली है, भगवा झंडा नहीं बदला है, और गले में ब्रासलेट नहीं बदला। तो ये लोग मीडिया को बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ, ये सरकार जो है वो सिर्फ क्राइम के आधार पर चल रही है। ऐसा लगता है कि इस देश में सरकारें नहीं, गुंडा राज चल रहा है, और सब कुछ खत्म होता गया है। पूरे देश को मर्यादा संस्कृति, आज योगी आदित्यनाथ का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, पूरे देश में मर्यादा संस्कृति राष्ट्रीय स्वच्छता कपड़ों तक प्रदेश जाने भाजपा यूपी सिंह संजय सिंह ने, खट्टर पर किसी ने इंक फेंक दिया वो भी चल रहा है। और ये देखिए, हे भगवान, तो लोग लगातार आज सबसे ज्यादा योगी जी जो गाली गलौज कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, मतलब सारे मीडिया के औकात यही है, मीडिया ने सवाल वो क्या कोई मीडिया चलाने के औकात है? गृह मंत्री से सवाल पूछने के औकात है? दरअसल पत्रकार नहीं, ये जाति विशेष धर्म विशेष के दलाल भी नहीं है। दलाल होते तो मायावती से भी पैसा खा सकते थे। ये सब के सब जातिवादी और मनुवादी पत्रकार हैं, जिनको देश से प्यार नहीं है, इनको धर्म और इस जाति से प्यार है। इस देश से प्यार जो करते हैं वो इस देश को बचाते हैं, इस देश के संसाधन को बचाते हैं, और हम इस देश के मूल निवासी हैं। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। कम से कम SC ST OBC के सांसद भी पूछ ले सवाल कि भैया ये घूस किसने खाया, किसको दिया? SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको अपने आराम गो से निकलना पड़ेगा, उनके अपने निजी लालच छोड़ने पड़ेंगे, नहीं तो ये देश नहीं बचेगा। और जब देश नहीं बचेगा तो एक बार फिर से SC ST OBC के लोग गुलाम हो जाएंगे। तो योगी के गाली पर आप क्या कहेंगे? रफेल घोटाला पर क्या मीडिया दिखाएगी? मीडिया में है हिम्मत? और बताइए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, सोचिए कि किस तरह से इस देश को बर्बाद किया जा रहा है। आप अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।